चलो आज हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशन का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इस यूनिवर्स में कहीं भी हो, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, या उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ठीक है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो जब एक दूसरे को, हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्यों नहीं हर चीज एक दूसरे की तरफ चला जाता है, है ना। तो देखो उसके लिए एक नियम है, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई एम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का, है ना। मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मास ज्यादा रहेगा, ठीक है, मास ज्यादा रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होता है, यदि मास कम हो तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हो, ठीक है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स इतना कम होता है ना, फोर्स इतना कम होता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट दोनों एक ही एक अपने जगह पर रहता है ना। मतलब फोर्स जो होता है नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। लेकिन यही हम लोग बड़े मासेस में देखे, ठीक है, जैसे मान लो कि एक एप्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे न्यूटन से हमने देखा कि एप्पल नीचे गिरा, ठीक है, ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया ऊपर, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, है ना, वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ गिरा चला गया, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि वहां पर तो एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होने का कारण क्या है कि पृथ्वी का मास बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस पृथ्वी के मास की वजह से उसमें एप्पल में एक्सेलरेशन हो गया, है ना। अब हम लोग थर्ड लॉ भी पढ़े हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ में क्या कहा गया है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि पृथ्वी एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है तो एप्पल भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं, है ना, ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो होता है मास का इनवर्सली होता है, है ना। मतलब एप्पल का जो मास होता है ना, पृथ्वी के सामने कुछ नहीं है, ठीक है, पृथ्वी का मास बहुत बड़ा होता है, एप्पल का मास क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए एप्पल में तो एक्सेलरेशन होता है लेकिन अर्थ में एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए एप्पल पृथ्वी के पास चला आता है, पृथ्वी जो एप्पल के पास नहीं जाती है, ठीक है, वो है मास का वजह, ठीक है, मास का कारण। अब कोई दो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में क्यों घूमते रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है ना, यहां सन है, ठीक है, और ए अर्थ है, ठीक है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमते रहती है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है, ऐसा क्यों है, है ना, इसका कारण क्या है, क्यों घूमते रहता है, ठीक है, वो सेंटर की तरफ फिर क्यों नहीं जाता है, ठीक है, क्या कारण है, क्या कारण है, ठीक है। तो देखो कोई भी यदि सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, तो उस पर दो फोर्स एक्ट होता है ना। एक होता है सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ उसको खींचता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब सेंटर सिकिंग फोर्स, हमेशा वो सेंटर की तरफ एक्ट होता है। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
ठीक है, जो कि सेंटर से उसको दूर ले जाता है ना। दो फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स और एक होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये दोनों फोर्स होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है और दोनों के बराबर होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो जानते हैं कि मान लो यहां पर कोई घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो एक उसको सेंटर की तरफ खींचता है और एक उसको सेंटर से दूर ले जाता है। ठीक है, चूंकि दोनों फोर्स इक्वल है ना, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना, चूंकि बैलेंस फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। तो उस अवस्था में ये ऑब्जेक्ट जो है चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, और इस तरह से सेंटर में ना तो गिरता है ना ही दूर भागता है। हाँ, यदि हम लोग इसको यहां से काट दे, ठीक है, ये फोर्स को हटा दे, जैसे मान लो कि पत्थर बांध करके उंगली में हम घुमा रहे हैं, यदि रस्सी काट दे, ठीक है, तो क्या होगा, दूर भाग जाएगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, तो उस जिस पॉइंट पर रहेगा उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम लोग लेंगे, टेंजेंट है ना, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में भाग जाएगा। ठीक है ना, यदि हम लोग ले लें, ठीक है, यदि हम लोग देखें कि ये फोर्स हट जाए, ठीक है, फोर्स हट जाए, जो उसको सेंटर से दूर ले जा रहा था, है ना, इसका मतलब मोशन मूव करना बंद कर दे, मूव करना बंद कर दे तो सेंटर में आके गिर जाएगा, है ना। तो इस तरह से उस पर दो फोर्स होता है, एक सेंट्रीपेटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपेटल फोर्स उसको एक्सेलरेट रखता है ना, और सेंट्रीपेटल फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, सेंट्रीपेटल फोर्स को हम लोग सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ठीक है, तो देखो न्यूटन साहब ने बताया है ना कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उस दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स होगा, कितना फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, M1 और M2 इसका मास है, इसके सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट है जिसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, कितना होगा है ना। तो देखो पहला जो नियम है इसमें ग्रेविटेशनल लॉ में, फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट नियम है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between two object is directly proportional to the product of mass, product of their masses। ठीक है, उनके मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स जो है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, M1 into M2। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ स्टेट करता है, ठीक है, कि जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इसके बीच का है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ए स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन देयर, या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है। यदि जी कांस्टेंट है, इफ जी इज कांस्टेंट देन, ठीक है, देन इफ इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू एम वन इंटू M2 divided by R square। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, जहां G जो होता है कैपिटल G, इसको हम लोग इनवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है।
ठीक है, कहीं भी यूनिवर्स में इसका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। है ना, जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 इसका न्यूट हो गया न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी के पावर माइनस 2।